सर्वप्रथम आज के संध्या बेला में महिलाओं एवं बच्चों के विशेष योग एवं ध्यान शिविर में सरलता, विनम्रता एवं विद्वता के त्रिधारा के संगम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में मैं अपने सहित पूरी मातृशक्ति एवं बच्चों की ओर से ज्ञान की भूमि नालंदा में परम पूज्य स्वामी जी का हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आप सबकी करतल ध्वनि से ज्ञान की धरती, बुद्ध और महावीर की धरती, जहाँ जन्म के साथ साथ ज्ञान और मोक्ष को ठहराव मिला, जहाँ भगवान महावीर ने यही पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी माँ भारती के पुण्य धरा पर पुनः इतिहास को दोहराते हुए गुरुवर के कदमों की उपस्थिति से पुनः यहाँ के स्वर्णिम इतिहास के पुनर्नवा होने की आहट प्रतीत हो रही है। सब कुछ खो करके सब कुछ पाना, ये मंत्र अगर किसी से सीखना हो तो हम माँ से सीख सकते हैं, नारी से सीख सकते हैं। आज इस संसार की मति मारी गई है, जो इस पूज्या माँ को भोग्या समझने लगा है, जो पूज्या थी उसको भोग्या समझ रहा है, और उसका पिछले कितने सदियों में इतना शोषण, इतना अपमान हुआ है, उसके बावजूद भी कृतज्ञता के भाव को वो विसार चुकी है। मैं कहती हूँ कि जो मनुष्य, परिवार, समाज या राष्ट्र जो नारी की उपेक्षा करता है, अपमान करता है, वो तो अपने विनाश को स्वयं ही आमंत्रण दे देता है। आप इनसे ये चीज़ें हटनी चाहिए, उनको उचित सम्मान मिलनी चाहिए, अब इनसे ये चीज़ें हटनी चाहिए। और अगर बेटी कैसे प्राप्त की जाती है और क्यों की जाती है, ये बात जाकर आप राजा जनक से, द्रुपद से और अश्वपति से पूछें, जिन्होंने कितना तप करके कन्या को प्राप्त किया था। गुरु के संरक्षण मिलने से ही ये धरती दिव्यता से भर जाती है। आज संगठन और संस्थान में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री के परम पुरुषार्थ, त्याग और इनकी दिव्यता, और हम बहनों के प्रति परम श्रद्धेय स्वामी जी के हृदय में विशेष करुणा और ममता को देखकर आज पतंजलि योगपीठ में लगभग 25 लाख से भी अधिक बहनें अपनी सब पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए श्रद्धेय स्वामी जी के इस योग, आयुर्वेद एवं अध्यात्म के क्षेत्र में एक विराट उद्देश्य को पूर्ण करने में दिन रात अपने गुरु निष्ठा में लगे हुई हैं। मैं अपने सहित जितनी भी महिला पतंजलि योग समिति की बहनें हैं, हम सब अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि इस विराट यज्ञ में हमें भी एक आहुति प्रदान करने का सौभाग्य श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रदान किया। अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि यश कृति संस्कार संस्कृति, यश कृति संस्कार संस्कृति, जिनका पग स्वयं धोती है, बिखरे रिश्तों के फूलों से सुंदर माला पिरोती है, मलयालिन की तरह सुवासित भारतीय नारियां होती हैं, आशा और विश्वास का एहसास है नारी, आज के परिवेश में कुछ खास है नारी, आज के परिवेश में कुछ खास है नारी। अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करती हूँ बहन उत्तर बिहार की राज्य प्रभारी बहन बीना जी, डॉक्टर किरण जी, प्रोफेसर बहन चंद्रावती जी, बहन रिंकू जी, बहन विनीता जी, डॉक्टर कुमारी पदम जी जो बीएड कॉलेज के सचिव हैं, और बहन सविता नाथ जी, मैं आमंत्रित करती हूँ बहन रेणु जी को, जो कई दिनों से इस कार्यक्रम में, इस शिविर में अपनी सेवा दे रही हैं, बहन अंजू जसवाल जी, बहन सविता आर्या जी,
इंद्रावती जी, सुनीता जी, आनंद देवी जी, बहन सोनी जी, बहन सुषमा जी, बहन सविता जी, माधुरी जी, बहन इंदु जी, बहन सुशीला जी, बहन सुमित्रा जी, बहन अनीता जी, बहन सुमित्रा जी, बहन रश्मि जी, बहन अनीता जी, बहन मीना देवी, बहन पूनम आनंद, बहन मनसा भारती जी, इन सब बहनों ने घर घर जाकर के लोगों को निमंत्रण दिया, खूब सेवा की, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। ये 10-15 दिनों से स्वागत है इनका। ये जो हमारी बेटी सुधा है जो मंच संचालन कर रही है, ये भी झारखंड और बिहार में बहुत सेवा देती है, और हमारी सारी बहनें पूरे देश भर में। हमारी डॉक्टर आचार्य साध्वी देवप्रिया जी के मार्गदर्शन में सब बहनें बहुत सेवा करती हैं, और पूरे देश भर में लाखों बहनें इस सेवा में लगी हैं। जैसे अभी सुधा बेटी कह रही थी, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व के साथ इस पारमार्थिक उत्तरदायित्व में सुबह शाम योग की कक्षाएं लेना, लोगों को निरोग बनाना, कितने लोगों को नवजीवन मिला है उसमें, पूरे देश भर में इस योग के प्रचार प्रसार में बहनों की बड़ी भूमिका है। और जैसे पूरे देश में ऐसे बिहार में भी बहुत आशीर्वाद है सब बहनों को। क्या नाम है तेरा? रश्मि। यही बता रही थी वो, किडनी का पेशेंट इसने ठीक किया जा, आशीर्वाद आ रहे हो पेशेंट, ठीक है जा। क्या नाम उसका रोगी का? जा आ जा, ठीक है चलो, बहुत अच्छा, ओम ओम आशीर्वाद। चलो निकलो निकलो, चलो बहुत अच्छा, चलो चलो ओम ओम नमस्ते। अब मैं ये मंच हमारी बहन सुधा जी झारखंड और बिहार में महिलाओं का नेतृत्व देने में बहुत पुरुषार्थ करती हैं, एक बार हमारी बहन आदरणीय सुधा जी के लिए एक बार आप सबकी ओर से जोरदार करतल ध्वनि। हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी भाई राकेश जी और हमारे राज्य प्रभारी भाई अजीत जी, अरुणेश जी और बहन वीना जी, सब बहुत श्रद्धा भक्ति से इस अनुष्ठान में जुटे हैं। और हमारे शिविर के मुख्य आयोजक भाई उदय शंकर जी, हमारे फाउंडर मेंबर भाई सुनील जी, और सब कार्यकर्ताओं ने इतना पुरुषार्थ किया। नालंदा की बिहार शरीफ की इस पावनी धरा पर जितने लोग सुबह भोर में जगे हैं,
उतने लोग शायद कभी हजारों साल पहले भी कभी जगे होंगे, ऐसा रिकॉर्ड तो कोई मिलता नहीं, क्योंकि पहले इतनी आबादी भी नहीं थी। सुबह सुबह 30-30, 40-40 हजार भाई बहन, और अब शाम को, सुबह शाम कुल मिलाकर के तीनों समय में 1 लाख से ज्यादा लोग इस पूरे आयोजन में भाग ले रहे हैं। इसके लिए सभी आप सहभागियों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज जवान बच्चे, जवान बेटियां भी आई हैं और माँ बहनें आई हैं, और इसमें हमारे मीडिया के भाइयों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो मेरे सामने अभी भी बैठे हैं, ये भी योगाभ्यास करते हैं। तो यहाँ के सभी बड़े अखबारों से लेकर के हिंदुस्तान, जिसने पूरे बिहार में एक अपना बहुत बड़ा यशस्वी कीर्तिमान स्थापित किया है, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े अखबार हैं, उन्होंने भी अपना बौद्धिक साम्राज्य यहाँ पर कायम किया है। तो एक बार राष्ट्रीय स्तर पर जिन तीनों अखबारों का की बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा यश गौरव है, और उन्होंने यहाँ इस योग को भी जन आंदोलन बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभाई, तो हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और इसी के साथ साथ प्रभात खबर, जो बिहार और झारखंड से लेकर के पूरे कोलकाता तक और नॉर्थ ईस्ट में बड़ी जिसकी कीर्ति है, ख्याति है, ऐसे प्रभात खबर, सनमार्ग और राष्ट्रीय सहारा, आज नव बिहार टाइम्स, कौमी तंजीम और सहारा उर्दू, इसके साथ साथ जितने भी हमारे जी टीवी, ई टीवी और तमाम बिहार के जो न्यूज़ चैनल हैं उनके लिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब भाई बहन यहाँ बहुत श्रद्धा से आए हैं, और आपको अब हमारे साथ योगाभ्यास के लिए थोड़ा पसीना भी बहाना है और बहुत कुछ सीख के भी जाना है। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पावन ओंकार का जप करते हुए, जब भी योग अभ्यास करें तो कम से कम 3 बार ओंकार का उच्चारण करें। योगाभ्यास प्रारंभ करने से पहले से 3 बार ओंकार का, और फिर जिसको जो मंत्र आता हो, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र आदि है, उसका उच्चारण कर लेना। मेरे साथ मिलकर के गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऐसे प्रार्थना पूर्वक योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज हम बच्चों के लिए योगाभ्यास बताएंगे, फिर महिलाओं के लिए विशेष योग, और फिर योग एक संपूर्ण जीवन पद्धति है।
मेरे साथ गीता का एक श्लोक बोलेंगे, युक्ताहार विहारस्य। ये तो बिहार शरीफ है, बिहार से बिहार, और यहाँ हमारे जो सूफी संत है वो भी आते रहे, तो इसलिए बिहार शरीफ, ये तो शहर ही बहुत सनातन है, नूतन है, पुरातन है। यहाँ बहुत साधु संत महात्माओं ने विहरण किया, विहार किया। ये गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखाः। व्हाट इज द योगा, द डेफिनेशन ऑफ योगा, योग की परिभाषा क्या है, इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने, योगेश्वर भगवान कृष्ण जी ने क्या कहा, वो मैं श्लोकों में सूत्रों में कह रहा हूँ। अगला, योगस्थः योगस्थ कुरु कर्माणि। अच्छा बच्चे तो बोल रहे हैं, बाकी को क्या आवाज नहीं है क्या, सब बोलो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, समता में रहना, सहज रहना, रिलैक्स रहना, हैप्पी रहना, हैप्पीनेस, हार्मनी, एकदम अलर्ट, जागरूक रहना, ये योग है। तो छोटे छोटे सूत्र बोलता हूँ अभी इन श्लोकों के। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम्, योगो भवति दुःखः, योगो हि प्रभवाप्ययौ, योगश चित्तवृत्ति निरोधः। सीधी सीधी बातें हैं, योगः समाधिः, योगः समाधानम्। योग फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, जो बच्चे चाहते हैं कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी हो, सब बच्चे बॉडी बनाना चाहते हैं, तो सबको बॉडी बनाना सिखाते हैं। देखो, सब बच्चे चाहते हैं उनके मसल्स बहुत अच्छे हो, तो मसल्स कैसे बनाना। अब मसल बनाने के लिए या तो जिम में लोहे के साथ मेहनत करो, लोहे के साथ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, योग करोगे तुम्हारे मसल्स बन जाएंगे, तुम्हारी ब्रेस्ट का विकास हो जाएगा, चेस्ट का विकास हो जाएगा, योग करोगे पेट हल्का रहेगा, कमर हल्की रहेगी। देखो पीछे अंगूठा रखो सब, और अंगूठा पीछे ही रहना चाहिए, और सामने से पूरा पेट अंगुलियों में पकड़ में आना चाहिए। पकड़ में आया, ऐसे पकड़ में आया, इतना आना चाहिए। बच्चों का तो आ गया, जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है तो डबल साइज का हो जाता है, फिर बड़ा खराब लगता है। पेट इतना सा होना चाहिए, और साइड से देखो तो इतना सा, और घुमाओ तो इतना सा, करके इतने मुटिया जाते हो, फिर आगे से घुमाते हो तो पीछे से घूमने लगते। देखो बॉडी एकदम परफेक्ट, हाँ माइंड भी एकदम परफेक्ट,
बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, एक्शंस का बैलेंस होना चाहिए, यही योग है। समत्वम योग उच्यते। तो बच्चों के बॉडी का ग्रोथ, हाँ हाइट भी 5.5-6 feet की होनी चाहिए। कुछ तो आजकल 5-5 feet के ही रहने लग गए, कुछ तो उससे भी नीचे डीग्रोथ कर रहे हैं। कितना होना चाहिए हाइट हमारा? हमारी MLC बहन आ गई, आ जाओ, आशीर्वाद ले लो तुम। क्या नाम है? रीना यादव जी। जोरदार आशीर्वाद है इसके लिए भी, बहुत अच्छी बहन है, खूब सेवा करती है। रीना की मम्मी है, आशीर्वाद। बैठ जाओ, देखो। और हमारे वीरायतन राजगीर से उपाध्याय श्री यशा महाराज जी हमारे जैन परंपरा की साध्वी हैं, उनका भी हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माता जी आपको प्रणाम। देखो सब मेरे साथ मिलकर के बोलो, माता भूमि ही। सब बोलेंगे, सबकी ये धरती माँ है और इसी से प्रथम माँ की उत्पत्ति हुई। ये धरती माँ बोलते हैं, इसको भारत माँ बोलते हैं और ये भारत की संस्कृति है। ये पाकिस्तान वाले नहीं बोलते पाकिस्तान माता, हम बोलते हैं भारत। अमेरिका वाले बोलते हैं अमेरिका माता, जापान माता, चाइना माता। सब बोलेंगे माता भूमि ही, पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। मैं सुबह उठ करके धरती माता को ऐसे प्रणाम करता हूं, ये मेरी पूज्य माँ है। भारत मात्र एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, ये धरती माता है मेरी, भारत माता है। और इस पर माथा टिका करके मैं इस संकल्प लेता हूँ कि मैं अंतिम श्वास तक भारत माता के साथ धोखा और गद्दारी नहीं करूंगा, भारत माता की सेवा करूंगा। ये विचार हमारे भारत के सब बच्चों में, ये संस्कार हम बचपन से डालते हैं। धरती माता को प्रणाम, भारत माता को प्रणाम, फिर माता पिता को प्रणाम करना। माता पिता इस धरती के भगवान है। माता पिता क्या हिस्सा धरती के, बोलो। हम कहते हैं ना भगवान ने हमको जन्म दिया, भगवान माँ बन के जन्म देता है, पिता बन के हमारी रक्षा करता है, गुरु बन के हमें ज्ञान देता है, एक दूसरे का सखा बन के हमारा साथ निभाता है। ये सारे भगवान के ही रूप है। सिया राम मैं सब जग जाने, ईसा वास्मिदम सर्वम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। माता पिता को प्रणाम करना, बड़ों को प्रणाम करना, गुरुओं को, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता को प्रणाम करना, फिर अपने सुबह की शुरुआत करना। सुबह उठ के पानी पीना, सुबह उठ के क्या पीना बच्चों? जो सुबह उठ के पानी पिएगा उसका पेट खराब, उसका दिमाग भी खराब नहीं होगा। ये दो ही खराब रहते, पेट खराब रहता है, दिमाग भी खराब रहता है। मतलब मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रखा है। वो गाड़ी में भी वो पानी डालते थोड़ा है ना, ये पानी सुबह सुबह डाल लो तो दिल दिमाग पेट सब ठीक रहता है। सुबह उठ के पानी पीने वाले को पेट की गैस की बीमारी नहीं। तो आजकल तो बच्चों को भी गैस बनने लग गया, कब्ज होने लग गया, पेट साफ नहीं होता है। किसी किसी बच्चे को तो इतनी गैस, इतना कब्ज, इतना पेट खराब रहता है, क्लासरूम में गैस छोड़ दे तो टीचर सहित सारे बेहोश हो जाते। पेट खराब बच्चों से ही शुरू हो जाता है। योग करेंगे तो पेट खराब, योग करेंगे तो पेट मोटा भी। कुछ कुछ मोटे आ गए अभी, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, ये ब्रेड, मैदा वाली चीजें, मैदा वाला बिस्किट, मैदा वाला नूडल, ये सब नहीं खाना। अच्छी चीजें खाओ, अच्छा विचार, अच्छा आहार, दो चीजों का ध्यान रखना। हाँ बहुत चीजें बताएंगे आपको। बच्चों को 5 आसन जरूर करना,
अभी भी एक दूसरे की टांग पकड़ के करवा सकते हो सुरमई दीवार के साथ जो शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग बहुत तेज होगा, उनकी हाइट बहुत अच्छी होगी और 100 साल तक उनकी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, मेमोरी बहुत शार्प हो जाती है इससे और 100 साल तक बुढ़े भी नहीं होंगे, जवान ही रहेंगे। बच्चों के लिए जरूरी है। अब बिना प्रैक्टिस के थोड़ा शुरू में दिक्कत होती है, तो शुरू में किसके साथ करना, मैंने क्या बताया, दीवार वॉल के साथ करना। हाँ, और इसके बाद बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 रहना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं? नंबर 1 रहना चाहते हैं, सब कोई भी फेल नहीं होना चाहता है। नॉलेज में भी नंबर 1, हेल्थ और फिटनेस में भी नंबर, डिसिप्लिन में भी नंबर, करेक्टर में भी नंबर, ये सब नंबर 1 कैसे बनेंगे? योग करने से ना आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है, दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। आप सबको करना है, सब लेटो, लेट जाओ सब। ए बहनों, देख लिया आप बहुत अच्छी हो, लेट जाओ, ऐसे लेटो, सब पैर ऊपर उठाओ। ए बच्चों, सब उठाओ, इससे दिमाग बहुत तेज होगा, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, हाइट बहुत अच्छी बढ़ेगी। हाइट बढ़ाने के लिए बच्चों को 5 आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन जरूरी है। फिर कमर भी उठा दो और कमर के पीछे हाथ लगा दो, पैर सीधे, अंगूठे से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई। सबने किया है ईमानदारी से, बच्चे तो कर रहे हैं, ये बड़े वाले थोड़ा हेरा फेरी कर रहे हैं। पूरा उठा के फिर पीछे टिका देना, तो हेलो सोन, फिर वापस, फिर दोनों पैर मोड़ लीजिए और दोनों हाथ कंधों के नीचे और बीच से उठा देना, ये चक्रासन। कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ उल्टा कर रहे हैं। बच्चों इधर देखो, कुछ क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ये नहीं ठीक बेटा, ऐसे नहीं करना, हाथ ऐसे नहीं रखना, हाथ ऐसे रखना, ऐसे ऐसे करेंगे तो ऐसे उठेंगे ना। अरे बच्चे तो ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। बच्चों में तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर पैर सीधे, ये हाइट बढ़ाने के लिए, बच्चों की फिजिकल ग्रोथ के लिए बात जरूरी है। अब बच्चे एकदम मजबूत होने चाहिए, देखने में भी खूबसूरत होने चाहिए, बॉडी का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों करेक्ट होने चाहिए। क्या बोला, बॉडी का स्ट्रक्चर और दोनों क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, करप्ट नहीं। दोनों हाथ साइड से उठाएंगे, सब बच्चों को सुबह सुबह करा देने 5 आसन। आगे झुक जाएंगे और आगे झुक के माथा घुटनों से लगाएंगे, झुको, लगाओ माथा घुटनों से,
आगे झुको। अब किसी किसी का तो पेट बीच में अड़ गया, झुको। फिर से दोनों हाथ ऊपर, फिर झुको आगे। फिर ऊपर और दोनों साइड से नीचे। ये पांच आसन सब बच्चों को करना जरूरी है। जो पांच आसन करेंगे उनकी हाइट अच्छी होगी, उनकी आई साइट अच्छी होगी, उनकी मेमोरी अच्छी होगी, उनका आई की लेवल, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा। हाँ, ये पांच आसन सब बच्चों के लिए कंपलसरी हैं, हाइट के लिए, आई साइट के लिए, मेमोरी के लिए, बॉडी की स्ट्रक्चर और कैरेक्टर को करेक्ट करने के लिए। फिर थोड़े और आसन बताते हैं, पांच तो ये इंपोर्टेंट बता दिए हैं। फिर दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लो, फिर ऐसे हिला लो पैरों को, ये बटरफ्लाई। किसी किसी के घुटने चलते समय मिलते हैं, वो अनफिट होते हैं, फिजिकली ठीक नहीं है वो। ये घुटनों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है, घुटने जमीन को छूनी चाहिए। अब किसी किसी की तितली तो ऊपर ऊपर ही उड़ रही है अभी, या नहीं नीचे जमीन तक ऐसे, ये बटरफ्लाई। फिर बच्चों को पद्मासन भी करना चाहिए। ये माताओं सब सीख लो, जो बच्चे यहां नहीं आए उनको भी सिखाना। काफी बच्चे आए हैं, इनके जो स्कूल से जो टीचर और प्रिंसिपल इनको लेके आए, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। अपने बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना चाहिए, उसके लिए कोई अवसर मिलता है तो उसका लाभ उठाना चाहिए। दाएं पैर को उठा के बाएं पैर पे रखो और बाएं को दाएं पर, क्या हो गया बोलो, जोर से बोलो, पद्मासन। क्या नाम है बोलो, पद्मासन है ये। अब बच्चों को तो अगला भी आसन करना है। अब देखो, दाएं को बाएं पर रख दिया, बाएं को दाहिने पर, इसको ऐसे खींच के रखो, खींच के पास में, अगला बताऊंगा ना तब, ऐसे एडी ना नाभि के साइड तक लग जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये सही तरीका है। अब पीछे से पकड़ लो, बाएं पैर को बाएं हाथ से ऐसे, इधर से हाथ डालेंगे ना ऐसे, और दाएं हाथ से दाएं हाथ पैर को, पकड़ में आया, किसी किसी का तो आया। ऐसे बच्चों की बॉडी एकदम बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस। बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं, बैलेंस होना चाहिए। चलो सब खड़े हो जाओ, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो सुनो बच्चों, ये बच्चों के लिए जरूरी अभ्यास, दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, इसका नाम ताड़ासन। ये हाइट बढ़ाने के लिए और बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक कीजिए, हाथ की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए। बच्चों को सबको सिखाना है, ये होगा ताड़ासन। क्या नाम है आसन का, नाम बोलिए। जो बच्चे ताड़ासन करेंगे उनकी हाइट लंबी होगी, उठाओ। नीचे सबको करना है,
श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाएंगे, फिर थोड़ी देर रुकेंगे, बैलेंस भी तो बनाना है, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, मन की एकाग्रता भी बढ़ती है, शांति भी बढ़ती है। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर उठाइए, हथेलियां ऊपर की ओर तन जाएंगी, एड़ियां ऊपर उठी हुई, थोड़ी देर रुकिए, ऐसे हाइट बढ़ेगी, इससे लंबाई बढ़ेगी, दोनों हाथ कान से लगे हुए ऊपर सीधे रुकिए, फिर नीचे आइए, दोनों हाथ साइड से, एकाग्रता बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी इससे, हाइट भी बढ़ेगी। अच्छा, पैर अभी खड़े हैं तो पैर मिल तो नहीं रहे ना घुटने, घुटने में कम से कम 2 इंच का फासला होना चाहिए, ये बीच में चेक करो अपने अपने, काफी लोगों के घुटने मिल रहे हैं।